Sound. Rolling. Action. एक ऐसी मूवी जिसका नाम सुनते ही हमारे दिमाग में सनी देओल का नाम दौड़ने लगता है और वही सनी देओल हमें हैंडपंप कवारते नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर मूवी गदर की, जिसका हाल ही में हमें एक और पार्ट देखने को मिला, यानी कि गदर 2। वैसे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं गदर 2 मूवी की बिहाइंड द सीन मूवी कंप्लीट डिटेल के साथ। और हाँ, इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने पर ही आपको पता चलेगा कि इस मूवी की शूटिंग कैसे हुई, तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इस मूवी की सबसे फेमस सॉन्ग मैं निकला गड्डी लेके सॉन्ग की शूटिंग में, तो जहाँ पे तारा सिंह अपने बेटे को बाइक लाकर देता है और फिर उसी के साथ ये गाना चलती है। वैसे आप यहाँ पे जो जीते को बाइक चलाते देखते हो तो ऐसा नहीं था, इसकी शूटिंग में जीते की बाइक को पूरी तरह से एक लकड़ी की सेट पे फिक्स कर दिया गया था और वही जो गाने में हमें बाइक चलते दिखाई गई उसे वास्तविकता में एक इंसान के द्वारा धक्का देकर शूट किया गया था। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं इस मूवी की सबसे क्लाइमेक्स सीन पे, जब जीते यानी कि उत्कर्ष शर्मा को पाकिस्तानी आर्मी पकड़ के शाही किला के पास लाकर तोप से उड़ाने वाली थी। तो इस सीन की शूटिंग हुई थी उत्तर प्रदेश के लखनऊ में ला मार्टिनरी कॉलेज के पास। वैसे गदर मूवी में भी हमें यह लोकेशन दिखाया जाता है जहाँ पे सनी देओल हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं और यहीं पे गदर फिल्म के सबसे आइकॉनिक सीन हैंडपंप कवारने वाले सीन को शूट किया गया था। वैसे दोस्तों आप यहां पे सनी देओल के फाइट वाले सीन की शूटिंग देख सकते हो जहां पे कई सारे पाकिस्तानी आर्मी को रस्सी की मदद से लटकाकर उड़ाया जा रहा है। इसके अलावा दोस्तों अब आते हैं इस मूवी के एक और क्लाइमेक्स सीन पे, जब जीते और सनी देओल फायर सर्विस व्हीकल्स पे चढ़ के भाग रहे होते हैं तभी उस गाड़ी को ब्लास्ट कर दिया जाता है। तो जीते जो चलती ट्रेन पे कूदता है वह ट्रेन बिल्कुल ओरिजिनल थी, यहाँ पे कोई भी VFX या फिर CGI का यूज नहीं किया गया, मगर इस सीन की शूटिंग में उत्कर्ष शर्मा को काफी ज्यादा सेफ्टी प्रोवाइड कराई गई थी, जैसा की आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो इस सीन की शूटिंग होते। यह शूटिंग सीन तब की जब सनी देओल बॉर्डर पे इंडियन आर्मी से बातें कर रहे होते हैं। वैसे मूवी में हमें जितने भी बॉर्डर के सीन दिखाए गए हैं वे सभी मुंबई के अहमदनगर में शूट किए गए हैं। इसके अलावा मूवी में हमें जो बहुत सारे मिसाइल वाले तोहफे दिखाए गए हैं तो उसे लकड़ी से बनाकर शूट किया गया था और वो ओरिजिनल तोप नहीं थी, लेकिन सिर्फ कुछ जगहों पे ओरिजिनल तोहफों का यूज किया गया था ताकि सीन एकदम रियलिस्टिक लगे। वैसे तोप वाले सीन की कुछ शूटिंग ग्रीन पर्दे पे की गई थी ताकि ब्लास्ट वाले सीन में VFX का यूज अच्छे से किया जा सके। तो चलिए दोस्तों अब आते हैं इस मूवी के सबसे खूबसूरत सॉन्ग ऊर्जा काले कावा तेरे सॉन्ग की शूटिंग में। वैसे यह गाना गदर पार्ट 1 का ही था मगर इसे रिक्रिएट करके हमें गदर 2 में भी दिखाया गया। वैसे आप इस सॉन्ग की शूटिंग देख सकते हो जहाँ पे तारा सिंह सकीना को गाना गाकर सुना रहे हैं। वैसे इस मूवी में हमें जो तारा सिंह का खूबसूरत सा घर दिखाया गया वह पालमपुर में है और आप इस घर की कुछ ओरिजिनल पिक्चर्स अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। इसके अलावा दोस्तों इस मूवी में हमें एक और सॉन्ग सुनने को मिला जो कि बहुत ज्यादा इमोशनल था, खैरियत से रहना, जिसमें सनी देओल पाकिस्तान फिर से जाते अपने बेटे को वापस लाने। वैसे आप इस सॉन्ग की भी शूटिंग देख सकते हो जहाँ पे सनी देओल बस पे बैठे हैं और अपने बेटे को याद कर रहे हैं। वैसे इस सॉन्ग की कुछ शूटिंग चलती बस पे नहीं बल्कि एक फिक्स की हुई बस पे शूट किया गया था ग्रीन बैकग्राउंड का यूज करके, और आप यहाँ पे इस मूवी के मेंबर्स को भी देख सकते हो जो सनी देओल की तरफ पंखा चला रहे हैं ताकि ऐसा लगे कि सच में बस चल रही है, इसलिए हवा चल रही है। इसके अलावा दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस मूवी को डायरेक्ट किए गदर मूवी के डायरेक्टर अनिल शर्मा ने, जो कि उत्कर्ष शर्मा के फादर भी हैं। वैसे यह मूवी का बजट मात्र 60 करोड़ रुपया थी और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ से भी ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन करके यह मूवी बॉलीवुड की वन ऑफ द मस्ट ब्लॉकबस्टर मूवी साबित हुई। वैसे दोस्तों अगर आपने यह मूवी देखी है तो आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको यह मूवी कैसी लगी। तो दोस्तों उम्मीद आपको यह वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज इस वीडियो कर दे लाइक और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दे सब्सक्राइब। तो चलिए दोस्तों अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।